हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ MHI 10 की, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। एंड आज हम करेंगे यूनिट 6, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स। सो बेसिकली इसमें हमें पढ़ना है कि हड़प्पन जो सिटीज़ थी उनका स्ट्रक्चर कैसा था, उसके बारे में हमें पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। डिस्कस द इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ हड़प्पन टाउन्स। सो हमें बताना है कि इंटरनली ना हड़प्पन सिटीज़ कैसे बनी हुई थी, उनकी कैसी बनावट थी, ये हमें समझना है। सो हियर कम्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट। तो इसमें बस ये बताया है कि जो हड़प्पा के लोग थे ना, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कौन कौन से पार्ट में फैले हुए थे। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थे वो लोग, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास। सो इंडस वैली जो था वो सेंटर था, क्योंकि आपको वहाँ से पानी मिलता है और अगर आपको खेती बाड़ी करनी है तो पानी के पास सेटल्ड होना आपका ज़रूरी है। बट कुछ सेटलमेंट्स हमें थोड़े दूर वाले एरियाज़ में भी देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न ये था कि जो रॉ मटेरियल्स थे ना, वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। तो उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें कुछ सेटलमेंट्स ऐसे दिखाई देते हैं जो कि दूर जगह पर भी थे। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहली चीज़ें आती है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी होती है ऐसी स्टडी जिसमें हम किसी भी चीज़ का ना फॉर्म या स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हड़प्पन सिटीज़ की बात हो रही है, तो हम उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वो किस तरह से बनी हुई थी। हमें इंटरनली उनका स्ट्रक्चर समझना है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये बताइए कि जो हड़प्पन टाउन्स थे ना, वो उनकी एक खास उनका खास फीचर ये था कि वो इंटरनली सेग्रीगेटेड थे और प्लांट थे। इंटरनल सेग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे क्या है ना, कि जो अंदर स्ट्रक्चर थे ना, उनको वॉल्स के थ्रू सेपरेट कर रखा था। हर एक सेपरेट वॉल्ड यूनिट्स थी। उसको शायद डिलीबरेटली किया गया था ये अलग करने के लिए कि लोग अलग हों, लोगों का फंक्शन अलग हो। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हमें कहाँ दिखता है, मोहनजोदाड़ो में दिखता है, जो हमें एक डिवाइडेड सेटलमेंट की तरह दिखता है। कैसे कि एक तरफ हमें सिटाडेल दिखता है जो कैसा है, छोटा है, ऊंचा है और वेस्ट की साइड है, और दूसरी साइड हमें लोअर टाउन दिखता है जो कि लेस एलिवेटेड है, मतलब ऊंचाई पर नहीं है, नीचा है एंड ईस्ट में है एंड लार्ज है, बड़ा एरिया। इन दोनों को ना वॉल्स के थ्रू सेपरेट किया गया था, जिससे हमें एक तरह का डिवीजन नज़र आता है कि शायद जो सिटाडेल था वो अपर क्लास के लोगों के लिए था, क्योंकि उसमें अलग फंक्शन नज़र आते हैं, एंड जो लोअर टाउन था वो शायद लोअर क्लास के लिए था। जो नेक्स्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है सुरकोटडा का, जो एरिया है ना वो रेक्टेंगुलर है और उसको ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है विद द हेल्प ऑफ वॉल। एंड अगेन लोथल में भी हमें क्या दिखता है, एक तरफ एलिवेट एरिया जिसको एक्रोपोलिस बोला जाता है और बाकी जो भी सेटलमेंट बचा उसको लोअर टाउन बोला जाता है। अभी तक हमने एरियाज को दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हुए देखा, जैसे कि लोअर टाउन, सिटाडेल या एक्रोपोलिस या लोअर टाउन। लेकिन धोलावीरा एक ऐसी साइट है जहां पर हमें 3 डिफरेंट एरियाज देखने को मिलते हैं। यानी धोलावीरा 3 एरियाज में डिवाइडेड है, लोअर टाउन, सिटाडेल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कासल एंड बेली। सो जो ये एरियाज डिवाइडेड थे ना, इनके टर्म्स से ही हमें समझ में आ रहा है कि इनके फंक्शन क्या रहे होंगे। जैसे कि जो टर्म है सिटाडेल और एक्रोपोलिस, इससे समझ में आता है कि ये एलिवेटेड एरियाज थे, ऊंचाई पर बने हुए थे और अपने डिफेंस के लिए थे। यानी कि जैसे फ्लड व्लड आ गया, उससे बचाव के लिए इन्होंने इसको ऊंचाई पर बनाया था। कासल एंड बेली से समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शन होते थे जो कि स्पेशल थे, कॉमन पीपल के लिए नहीं थे, कुछ अपर क्लास के लिए थे। एंड लोअर टाउन से तो हमें समझ में ही आता है कि वो एरियाज जो कि कॉमन पीपल के लिए थे, जो आम इंसान था वो वहाँ पर रहता था। अब हड़प्पा की स्टडी सारी आर्कोलॉजी बेस्ड है, सब एक्सकवेशन में जो भी हमें खुदाई में मिला है उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो इन एरियाज़ के क्या क्या फंक्शंस थे वो भी हम आर्कोलॉजी से पता लगाते हैं। जैसे कि बहुत सारे हड़प्पन सेटलमेंट्स हमें वॉल से घिरे हुए मिले हैं, कि उनके आसपास वॉल्स बनी हुई थी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। और वो जो वॉल्स थी ना, वो कैसी मिली हैं, मैसिव मिली हैं। मैसिव मतलब कि चौड़ाई में भी ज़्यादा हैं और ऊँची भी बनी हुई हैं। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे सेटलमेंट थे ना, वो भी काफ़ी, उनकी भी वॉल्स जो थी वो काफ़ी मज़बूत बनी हुई थी। सो ये जो वॉल्स थी ना एरियाज़ के अराउंड, इससे हमें एक चीज़ तो पता लगती है कि ये जो था एक लेबर का काम था। यानि
बहुत ह्यूज लेबर यहाँ पर यूज़ हुई थी, और अगर लेबर यूज़ हो रही है यानी कि स्पेशलाइजेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, इट मींस कि वहाँ पर अर्बनिज्म था। एंड साथ ही हमें क्या पता चलता है, क्योंकि वॉल्स इस तरह से बनी हुई हैं सेटलमेंट के अराउंड, तो उसके अलग अलग फंक्शन हो सकते थे। जैसे कि वॉल्स इसलिए बनी थी क्योंकि डिफेंस के पर्पज़ से, जैसे मैंने बताया कि कोई अटैक ना कर दे, या फिर प्रोटेक्शन के लिए कि फ्लड वगैरह आए तो उससे बचा जा सके, या फिर जो दूसरे एरियाज हैं उससे उसको सेपरेट करने के लिए ये वॉल्स यहाँ पर बनाई गई थी। दूसरा जो हमें फीचर दिखता है ना, वो है एक्सटेंसिव प्लेटफॉर्म्स का, यानी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने ये सिटाडल या लोअर टाउन को बनाया था, उठे हुए एरियाज पर। एंड जैसे मोहनजोदाड़ो में हमने देखा है कि सिटाडल और टाउन को प्लेटफॉर्म से बनाया गया है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता था कि फ्लड से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया हो। जैसे हम आज के टाइम पर भी देखते हैं कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले उसका बेस बनाया जाता है ताकि बिल्डिंग मजबूत रहे, तो एक वो भी रीज़न हो सकता है। बट जो मेन रीज़न हम देखते हैं वो क्या है कि सिटी को फ्लड से बचाने के लिए उसको ऐसा किया जाता होगा, उसको प्लेटफॉर्म से बनाया जाता था। दूसरा फीचर था कि सन ड्राइड ब्रिक्स से ये प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो सिटी का आर्किटेक्चर हो गया या वॉल्स का बनाना हो गया, बड़ी बड़ी वॉल्स को प्लेटफॉर्म्स जो कि सन ड्राइड ब्रिक्स से बन रही हैं, ये सब एक चीज़ की तरफ इशारा करती हैं, और वो क्या है कि एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर का उस टाइम पर बहुत बड़ा रोल था। ये जो पूरा काम था ना, इसमें एक पूरी प्लानिंग की ज़रूरत थी, और ये कैसे कब हो सकता था, जब लेबर को मोबिलाइज किया जाए, यानी लेबर जो हो उस चीज़ में स्पेशलाइज हो, चाहे वो ब्रिक्स बनाना हो, चाहे वो बड़ी बड़ी वॉल्स बनाना हो। तो ये था हड़प्पन टाउन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द एविडेंस फॉर प्लानिंग इन हड़प्पन सिटीज़। तो जो हड़प्पन सिटीज़ में हमें एक बहुत ही बढ़िया सी प्लानिंग देखने को मिलती है, तो उसके क्या क्या एविडेंस मिले, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो इस फर्स्ट पैरा में पहली चीज़ तो इन्होंने ये बताइए कि अर्बनिज्म के यानी सिटी बनने के दो अप्रोच होते हैं, एक है रैंप अप्रोच और एक है स्टेप अप्रोच। तो रैंप अप्रोच जो है वो बेसिकली क्या है कि स्लो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, स्लोली स्लोली जो है एक विलेज टाउन बन रहा है। एंड स्टेप अप्रोच में क्या है कि एकदम से सडनली वो डेवलप कर गया, जो विलेजेस थे वो एकदम से अर्बन सेंटर बन गए, जिसका एक रीज़न ये हो सकता है कि पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर गैदर हो गई। अब देखो, जो हड़प्पा की हमें सिटीज़ मिली है ना, वो ऐसे बनी हुई हैं कि उससे देखकर ना ये समझ में आता है कि ये चीज़ें ना प्लान करके बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है ये लोगों ने यूँ ही बना दी, ऐसे ही बन गई अपने अपने तरीके से, नहीं, किसी ने अच्छे से प्लान करके वहाँ के लोगों ने तब उसको बनाया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा प्लेटफॉर्म्स के बारे में कि जो फाउंडेशंस थी उसके ऊपर हड़प्पन सिटीज़ को बनाया गया था। तो इससे ही पता चलता है कि जो सिटी है ना उसको प्लान किया गया, उसको प्लान करने की ज़रूरत थी, उसके बाद ही बनाया जा सकता था। इसी तरह से जो हमें वहाँ पर रोड्स और स्ट्रीट्स मिली हैं वो कैसी दिखती हैं, एक ग्रिड प्लान पर दिखती हैं। ग्रिड प्लान का मतलब ये होता है कि स्ट्रीट्स एक तो एकदम स्ट्रेट हैं, बिल्कुल सीधी सीधी हैं, और रोड्स और स्ट्रीट ना आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पर। सो ये सब एविडेंस मिलने के बाद ना हमें स्ट्रांगली इंडिकेशन मिलता है कि हड़प्पन सिटीज़ को ना प्लान किया गया था, उसके बाद उन्हें बिल्डअप किया। दूसरा जो फीचर है वो हमें दिखता है सिविक फैसिलिटीज़ का, जिसमें सबसे ऊपर आता है ड्रेनेज सिस्टम, यानी नालियों का स्ट्रक्चर कैसा था, नालियाँ कैसी बनी हुई थी। तो सिटी के मेन रोड से लगी हुई ये नालियाँ होती थी, और किसकी बनी हुई होती थी, ब्रिक्स की बनी हुई थी, और हर एक हाउसेस से ये कनेक्टेड थी। हाउसेस की जो वॉल्स थी उनमें पाइप्स भी होते थे जो कि ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट करते थे। इसके लिए हर एक घर में एक ऐसी वॉल ज़रूर होती थी जो कि जिसके नेक्स्ट साइड स्ट्रीट हो, ताकि वो जो स्ट्रीट की नाली है ना उससे वो कनेक्ट कर पाए, घर की नाली उससे कनेक्ट कर पाए। एंड इस ड्रेनेज सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था कि सलज पिट्स हुआ करते थे, यानी कि जो जालियाँ हुआ करती थी, ताकि जो भी वेस्ट वहाँ पर इकट्ठा हो जाए उसको कलेक्ट करके उन्हें रेगुलरली क्लीन किया जाए, ताकि नालियां जाम ना हो। सो ये फीचर्स ऐसे हैं जिनको आज भी हम यूज़ करते हैं, बट इनकी इम्पॉर्टेंस इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि हम हज़ारों साल पुराने लोगों की बात कर रहे हैं। सोचो उस टाइम पर भी इंसान इतना प्रोग्रेसिव था। हमें बेक ब्रिक देखने को मिलती है, यानी नालियों के लिए उन्होंने मड ब्रिक यूज़ नहीं की, जबकि और स्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्होंने वैसी मिट्टी की ईंटें यूज़ की हैं, बट उन्हें पता था कि ड्रेन्स जो हैं, नालियाँ जो हैं, उनमें पानी बहेगा, तो बेक्ड ब्रिक यूज़ होनी है। एंड हमें साथ ही एक गार्बेज डंप भी दिखाई देता है जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा करा करते
जाते थे वो लोग। सो ये सारी फैसिलिटीज थी जो हमें देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ और वो है वेल्स। सो पीने के पानी के लिए वेल्स का यूज़ किया जाता था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में हमें देखने को मिले हैं वेल्स, एंड एक कैलकुलेशन के हिसाब से 700 वेल्स हमें देखने को मिले हैं जिनका अलग अलग साइज़ हुआ करता था। और ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादातर हर एक घर के लिए एक वेल अवेलेबल था। एंड वेल्स की अगर लोकेशन की बात करें तो जो घर में एंटर करने की जो जगह होती थी, जैसे कोई दरवाज़ा था या जो भी था, तो उसके आसपास ही हमें वेल देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी एक तरह की फैसिलिटी थी कि वो भी उस वेल को यूज़ कर सकते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो हम प्लानिंग का देखते हैं वो है यूज़ ऑफ ब्रिक। हर एक ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ था जिसका रेशियो था 1:2:4। अब यूनिफॉर्मली साइज ब्रिक्स जो होती हैं, यानी सारी ब्रिक्स एक ही साइज़ की बनी हुई हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसको कंस्ट्रक्शन करने में आसानी रहती है। अब इससे क्या पता चलता है कि ब्रिक्स के लिए प्लानिंग हुई होगी, एक टूल ऐसा रखा गया होगा जिससे कि सेम पैटर्न में वो सभी ब्रिक्स एक साइज़ दें। वॉल्स को बनाने के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया गया था, बॉन्डिंग टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। ये मैंने पिक्चर में लगाया है कि किस तरह से वॉल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता होगा। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, जिसमें हमें नॉन डोमेस्टिक यूज़ ऑफ हड़प्पन स्पेसिस का बताना है एंड स्पेशली फोकस करना है धोलावीरा पर, जिसमें पब्लिक स्पेस को यूटिलाइज किस तरह से किया गया है वो बताना है। अब बेसिकली हमें क्या बताना है कि घर को छोड़कर ना जितना भी स्पेस था हड़प्पन सिटीज़ में उसको कहाँ यूज़ किया गया, वहाँ पर क्या क्या बनाया गया वो हमें बताना है। इसमें सिटाडेल आएगा जिसमें हमें बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, ऑल्दो हमें जो लोअर टाउन है उसमें भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि ऐसा लगता है कि हो सकता है इनके भी पब्लिक फंक्शन रहे हों। सो अभी हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अगर हम सिटाडेल की बात करें तो हमें पता है कि सिटाडेल में कौन कौन सी पब्लिक बिल्डिंग्स मिली हैं, जैसे कि हमें ग्रेट बाथ मिला है, ग्रैनरी मिली, यानी जो अनाज को स्टोर करने की एक बड़ी सी जगह होती है उसको ग्रैनरी बोलते हैं। फिर हमें फर्नेसेस मिली हैं, भट्टी जहाँ पर लोग काम किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर कुछ स्पेशल फंक्शन होता था। तो हमें लोअर टाउन में भी ना एक बड़ी सी बिल्डिंग मिली है जिसको पैलेस कहा गया है। सो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर भी कोई स्पेशलाइज फंक्शन होता हो। पब्लिक स्पेस का यूज़ रोड्स और स्ट्रीट्स के बनाने में भी किया जाता था कि जो सिटीज़ थी वो उनको आपस में कनेक्ट कौन करता था, रोड्स किया करते थे। एंड रोड्स जो थे वो एक तरह का अच्छा सोर्स भी थे, किसके लिए, पब्लिक ड्रेन्स के लिए। जो ड्रेन्स होती थी वो रोड्स पर ही तो हुआ करती थी। दूसरा जो थी वो थी सिमेट्रीज, यानी कब्रें जो बनती थी वो भी अगेन पब्लिक स्पेस में ही बनाई जाया करती थी। हड़प्पा से पहले क्या होता था कि ट्रेडिशन था कि लोगों को घर में ही दफनाया जाता था, बट हड़प्पन के टाइम पर हमें सेपरेट स्पेस दिखाई देता है जो कि सिमेट्रीज थी जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता था। तो हमें एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिलता है कि डेड को, जो मुर्दे हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक अलग सेक्शन बनाया जा रहा है। तो एक तरह का हमें डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है कि जो लिविंग है, जो जिंदा है उनका सेक्शन अलग है और जो मर गए हैं उनका सेक्शन अलग है। नाउ अनदर यूजेज ऑफ पब्लिक स्पेसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर स्टोरेज टैंक्स। सो जो बाहर वाली वॉल होती थी सेटलमेंट के बाहर वाली, उसके अंदर क्या था, बड़े बड़े टैंक्स बने हुए थे जहाँ से क्या होता था कि वाटर को स्टोर किया जाता था। तो ये स्टोरेज बनाए गए थे शायद कि रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, एंड इसके अंदर जाने के लिए कुछ स्टेप्स भी बनाए गए थे। एंड लास्टली एक अलग तरह का पब्लिक स्पेस देखने को मिलता है धोलावीरा में, जिसे कि हिस्टोरियंस ने इंटरप्रेट किया है किस तरह से कि शायद वो एक सेरेमोनियल ग्राउंड था, यानी वहाँ पर कोई सेरेमनी होती होगी, कोई फंक्शन होता होगा या कोई स्टेडियम था। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, एस इज द नेचर ऑफ डोमेस्टिक यूज ऑफ स्पेसिस ऑफ द हड़प्पन्स। अभी हमने नॉन डोमेस्टिक पढ़ा, अब हमें पढ़ना है डोमेस्टिक स्पेस का क्या यूसेज था। सो बेसिकली हमें हाउसेस के बारे में पढ़ना है कि वो किस तरह से बने हुए थे। तो हमें पहले एक चीज़ समझनी है कि एक तो हमें ये समझना है कि जो हाउसेज हैं उनकी हमें कई सारी वैरायटी मिली, यानी जो हाउसेज हैं ना वो अलग अलग तरह से बने हुए हैं, प्लस जो अलग अलग साइट्स हैं उनमें भी हमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। सो मोहनजोदाड़ो में जो हमें हाउसेज मिले हैं उसके क्या फीचर हैं कि हमें एक कोर्टयार्ड मिलता है एक ओपन स्पेस की तरह, यानी एक आंगन है और उसके चारों तरफ कुछ रूम्स हैं। अब एक स्कॉलर हैं जेंसन, उन्होंने इन रूम्स को ना उनकी लोकेशन और मीन्स ऑफ एक्सेस, यानी उनमें अंदर जाने का
क्या मोड है, किस तरीके से हम उनमें एंटर करेंगे, उसके बेसिस पर इनको डिस्टिंग्विश किया है, उनको डिवाइड किया है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि जो एंट्रेंस रूम्स थे उनको ट्रांजिट और टर्मिनल रूम से अलग किया है। अब ये क्या होते हैं, ट्रांजिट रूम्स वो होते थे जिसमें एंट्री करने के लिए एक से ज़्यादा डोर होते थे, एंड टर्मिनल रूम्स होते जैसे कि टॉयलेट या बाथरूम जिसमें सिर्फ एक ही डोर है। एंड इसके बेसिस पे वो क्या रूम्स को लेबल करते हैं कि ये पब्लिक थे ये प्राइवेट थे। अब यहाँ पर ना हमें अलग अलग साइट्स के हाउसेस के एग्जांपल दिए हैं, क्योंकि जो हाउसेज हैं ना साइट्स के उनमें काफ़ी डिफरेंस है। जैसे बनावली की अगर हम बात करें तो वहाँ के घरों में हमें बहुत सारे रूम्स मिले हैं, बट एक अलग सा फीचर जो देखने को मिला है वो है स्मॉल क्यूबिकल्स। क्यूबिकल्स क्या होते थे कि रूम के अंदर ही ना हमें एक छोटा सा सेक्शन देखने को मिलता है, इतना छोटा है कि सही से एंटर भी नहीं कर पाते। तो जो एक्सकेवेटर हैं वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इनका शायद ये फंक्शन होगा कि कुछ वैल्यूएबल चीज़ों के लिए, जैसे होता है ना कि कुछ कुछ महंगी चीज़ें उसको रखने के लिए या अनाज वगैरह को स्टोर करने के लिए इन क्यूबिकल्स का यूज़ किया जाता होगा। बनावली और मोहनजोदाड़ो के हाउस में अगर हम डिफरेंस करें ना, तो एक डिफरेंस नज़र आता है हमें कोर्टयार्ड का। बनावली का जो कोर्टयार्ड है वो हमें स्ट्रीट की तरफ ओपन दिखाई देता है, जबकि जो मोहनजोदाड़ो का कोर्टयार्ड है वो उसका नेचर हमें थोड़ा प्राइवेट दिखता है, वो डायरेक्ट स्ट्रीट की तरफ नहीं है। दूसरा डिफरेंस ये है कि बनावली के जो हाउस है ना उनके चारों तरफ हमें रोड्स देखने को मिलती हैं, जो एक तरह का उसका इंडिपेंडेंट होना दिखाता है, बट मोहनजोदाड़ो के जो हाउसेज हैं वो ब्लॉक्स में है, मतलब एक के बाद एक बने हुए हैं। लोथल की अगर हम बात करें ना, तो उसके हाउसेज में हमें कोई सेम पैटर्न नहीं दिखता, यानी हर हाउस का अपना एक अलग फीचर है। जैसे एक हाउस में हमें जो रूम्स हैं वो डबल रोज में देखने को मिलते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलते हैं, जैसे वन बाय वन, वहीं दूसरे हाउस में हमें एक अलग पैटर्न दिखाई देता है कि स्क्वायर स्ट्रक्चर में बना है, फ्रंट पे एक बड़ा सा रूम है और उसके पीछे छोटे छोटे रूम हैं अलग साइजेस के। अब मोहनजोदाड़ो में जो हमें हाउसेज मिले हैं ना वो एक के बाद एक बने हुए, यानी एक वॉल जो है ना वो पार्टी वॉल कहलाएगी, यानी उससे दोनों हाउस के लोग उस वॉल को शेयर कर रहे हैं। जबकि जब हम लोथल के हाउसेस को देखते हैं तो उसमें हमें लैक ऑफ पार्टी वॉल्स दिखाई देती है हाउसेस के बीच में, यानी जो हाउसेस हैं वो सेपरेटली बने हुए हैं, आपस में टच नहीं हो रहे। अब लोथल में ना जो हाउसेज हमें मिले हैं उनमें मड ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, यानी ऐसी ईंटें जो कि मट्टी से बनती थी, जिससे पता चलता है कि शायद फ्यूल्स की शॉर्टेज हो गई होगी, कि आग जलाने के लिए फूल नहीं मिला होगा, क्योंकि जो हड़प्पा के जो दूसरे सेटलमेंट हैं वहाँ पर हमें बेक्ड ब्रिक्स देखने को मिलती हैं, यानी कि ब्रिक्स को फायर में जलाकर तो ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहें और स्ट्रॉन्ग बन जाए। हाउसेस के ग्राउंड पर ना हमें कुछ होल भी मिले, गड्ढे मिले, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि शायद वहाँ पर कुछ पोल्स लगाए गए होंगे छत की सपोर्ट के लिए, जैसे कि बैम्बू या फिर लकड़ी का कोई पोल बनाकर वहाँ पर रखा गया होगा। क्योंकि हाउसेस में कुछ ही विंडोज हुआ करती थी, तो ज़्यादातर जो हाउस में लाइट आती थी वो शायद आपके ओपन कोर्टयार्ड से आया करती थी। हाउसेस का जो कंस्ट्रक्शन पैटर्न था उनमें भी काफ़ी फर्क था, जैसे कई हाउसेस में मैसिव वॉल्स यूज़ की गई थी, यानी बड़ी बड़ी वॉल्स का यूज़ किया गया था, जिससे ये पता चलता है कि शायद हीट से बचने के लिए उन्होंने ये किया था। और साथ ही में ये भी सजेस्ट करता है कि ये वो लोग हुआ करते होंगे जो कि इकोनॉमिकली वेल्दियर थे, यानी अमीर लोग। द टाइम हमें एक चेंज भी देखने को मिलता है कि जो थिक वॉल्स थी वो पतली होती चली गई। वर्किंग प्लेस के पास हमें थैश्ड हट्स भी देखने को मिलती हैं, यानी ऐसी झोपड़ियाँ जो कि छप्पर से बनती थी, जो ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो अच्छे घर होते थे वो वेल्दियर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए होते थे। घर के साइज़ के बेस पर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट हाँ ये है कि जिस मटेरियल से वो बना हुआ है उससे हमें पता चलता है कि हाँ घर किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करता था। सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।